खाटू श्याम बाबा को गुलाब के फूलों से हो रही परेशानी, न चढ़ाएं भक्त, मंदिर कमेटी ने क्यों लिया बड़ा फैसला। बाबा खाटू श्याम के दरबार में आए दिन बड़ी संख्या में भक्त पहुंचते हैं। अब शीश के दानी बाबा खाटू श्याम को गुलाब का फूल चढ़ाने का ट्रेंड चल रहा है, लेकिन इससे एक परेशानी सामने आ रही है। क्या आपको पता है कि बाबा श्याम को गुलाब का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या गुलाब का फूल चढ़ाना सही है और मंदिर कमेटी ने इस नए ट्रेंड को लेकर क्या फैसला लिया है? प्रसिद्ध खाटू श्याम जी का लक्खी मेला आने वाला है, ऐसे में श्याम के दरबार में भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। बच्चे, जवान और वृद्ध सभी बाबा के दरबार में उनके दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। खाटू श्याम जी में इन दिनों एक नया ट्रेंड चला है, श्रद्धालु बाबा श्याम को लाल गुलाब भेंट करना चाहते हैं। एक श्रद्धालु के हाथ में गुलाब का फूल देखकर दूसरा श्रद्धालु भी बाबा को गुलाब का फूल भेंट करना चाहता है। ऐसे में खाटू नरेश को गुलाब का फूल चढ़ाने का चलन शुरू हो गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि बाबा श्याम को गुलाब का फूल क्यों चढ़ाया जाता है? क्या गुलाब का फूल चढ़ाना सही है और मंदिर कमेटी इस नए ट्रेंड को लेकर क्या सोचती है? इन सभी बातों के बारे में आज हम आपको बताएंगे। खाटू श्याम का श्रृंगार आरती के दौरान विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसी आरती के बाद बाबा श्याम भक्तों को नए रूप में दर्शन देते हैं। रोजाना बाबा नए अलौकिक रूप में नजर आते हैं। भगवान के श्रृंगार के दौरान मंदिर के पुजारी विशेष सुगंधित फूलों का उपयोग करते हैं। पुजारी द्वारा बाबा के श्रृंगार में कोलकाता के विशेष गुलाब का उपयोग किया जाता है। जानकारी के अनुसार बाबा को गुलाब के फूल की सुगंध काफी अधिक पसंद है, इसी कारण बाबा श्याम के गर्भगृह में गुलाब के फूल के इत्र की सुगंध भी महकती रहती है। बाबा श्याम की श्रद्धा लोगों में बढ़ती जा रही है, ऐसे में हर भक्त बाबा श्याम को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है। हारे के सहारे को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालुओं ने इन दिनों गुलाब का फूल चढ़ाने का नया ट्रेंड शुरू किया है। इस ट्रेंड को लेकर श्रद्धालुओं का मानना है कि गुलाब को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, ऐसे में बाबा खाटू श्याम के दरबार में आकर अपना प्रेम जाहिर करने के लिए गुलाब का फूल चढ़ना चाहता है। बाबा श्याम को गुलाब का फूल भेंट करने के इस नए ट्रेंड से श्री श्याम मंदिर कमेटी परेशान है। कारण यह है कि श्याम के दर्शनों के लिए 14 लाइनों में श्रद्धालुओं के लिए श्री श्याम मंदिर कमेटी ने व्यवस्था की है। इस कारण श्रद्धालु गर्भगृह से काफी दूर रहकर खाटू नरेश के दर्शन कर पाते हैं। पहली लाइन को वीआईपी दर्शन लाइन कहा जाता है। वीआईपी लोग ही गर्भगृह तक पहुंच पाते हैं। ऐसे में हर श्रद्धालु अपना प्रेम जाहिर करने के लिए गुलाब का फूल बाबा श्याम के गर्भगृह की ओर फेंकता है। इस दौरान अधिकांश समय श्रद्धालुओं के फेंके फूल नीचे गिर जाते हैं और श्रद्धालुओं के पैरों में आते हैं। इसके अलावा कभी कभी ये फूल गर्भगृह के दाएं और बाएं साइड गिरे रहते हैं, जिस कारण मंदिर कमेटी को सफाई में भी समस्या आती है। इसलिए कमेटी ने श्रद्धालुओं से निवेदन किया है कि श्रद्धालु शीश के दानी बाबा श्याम को गुलाब के फूल अर्पित नहीं करें। जानिए कब से शुरू हुआ गुलाब का फूल चढ़ाने का ट्रेंड। लखदातार को गुलाब भेंट करने का यह नया ट्रेंड कोरोना काल में शुरू हुआ था। इस दौरान सीमित भक्तों को बाबा श्याम के दर्शन करने दिए जाते थे। कोरोना एडवाइजरी के चलते कोई भी भक्त श्याम निशान भेंट नहीं कर पाता था। इस कारण श्रद्धालुओं ने श्याम निशान की बजाय गुलाब का फूल भेंट करने का नया ट्रेंड शुरू किया था। हालांकि फिलहाल श्याम के दरबार में श्याम निशान का ट्रेंड घटा है और गुलाब का फूल भेंट करने का ट्रेंड बढ़ गया है। श्री श्याम मंदिर कमेटी अध्यक्ष प्रताप सिंह चौहान ने कुछ समय पहले लोगों से अपील भी की थी कि यदि आप भी बाबा श्याम को अपना प्रेम जाहिर करने के लिए गुलाब का फूल भेंट करना चाहते हैं तो आप खाटू श्याम जी से गुलाब का फूल खरीदकर मंदिर में दर्शन करते समय बाबा की ओर गुलाब दिखाकर उसे वहां नहीं फेंक, बल्कि उस गुलाब को अपने घर में आरती वाली पवित्र जगह या किसी अन्य मंदिर में जाकर भेंट कर दीजिए। ऐसा करने पर आपकी अपार श्रद्धा के साथ ले गए गुलाब के फूल श्रद्धालुओं के पैरों के नीचे भी नहीं आएंगे और बाबा श्याम भी आपसे प्रसन्न होंगे।